so uh, the next topic under the trends and issues in early childhood education is test based high stake accountability and prescribed curriculum we know that evaluation is a vast field and there are certain standards errors of measurement also because when there are certain principles but the instruments are not valid and reliable so the measurement is not appropriate सो एजुकेशनल मायरमेंट इज़ मिस मायर फॉर यंगर चिल्ड्रन। हम ये कहते हैं कि मायरमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो अगर मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल न किए जाए अनट्रेन्ड ट्रेंड इस हों या करिकुलम के अंदर उसके स्पेसिफिकेशन नहीं दी हुई हैं तो आप छोटे बच्चों को ठीक से मायर कर ही नहीं सकते और वजह इसकी ये है कि वो अभी किसी स्टैंडर्ड से गुजरे ही नहीं अभी तो उनका दिमाग भी तरक्की पा रहा है नशोनुमा पा रहा है अभी उसके परफॉर्म करने के अंदाज़ भी अलग हैं तो इसलिए अभी ये मिस मैयर है ये मयरमेंट नहीं है फिर हाई स्टेक अकाउंटेबिलिटी भाई आपने देखा होगा कि बहुत छोटा बच्चा जो प्रेप से भी नीचे नर्सरी क्लास का है या प्ले ग्रुप का है उसके हाँ भी क्राइटेरियन है आपने सौ में से कितने नंबर लेने हैं नाइन्टी नाइन लेने हैं नाइन्टी एट लेने हैं इतना स्टेक आप बच्चों के ऊपर रखते हैं तो आप उनकी जो कुदरती एक फ्रीडम है उसको आप वायोलेट कर रहे है। हैं फिर असेसमेंट नीड्स टू बी मीनिंगफुल एंड रिस्पेक्ट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लर्निंग एक्चुअली वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज अभी मामला बहुत कॉम्प्लेक्स हैं बिकॉज दे आर रैपिडली डिवेलपिंग कहीं बच्चे की ब्रेन और मसल कोआर्डिनेशन अभी वीक है और हम उसकी हैंडराइटिंग के ऊपर जोर दे रहे हैं अभी तो उसने पेंसिल पकड़ना भी नहीं सीखी और पेंसिल जो है वो दिमागी तौर पे अभी उसके हाथ पकड़ ही नहीं सकते लेकिन आप उसकी हैंड के मैार को नंबरों में जांच रहे हैं बिल्कुल इसी तरह हम क्या करते हैं इस सिलसिले में कि हम इस पे और स्टूडेंट्स पे छोटे बच्चों पे हम एक अनड्यू प्रेशर जो है वो बिल्ड कर रहे हैं और इस प्रेशर की वजह से जो बच्चों की कुदरती सामने आनी चाहिए थी बल्कि जो कुदरती नशो होनी चाहिए थी वो रुक गई है सो so, हमारे ऑथर्स कहते हैं कि सच एन असेसमेंट इज नॉट सपोर्टिंग आवर यंग चिल्ड्रन डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट को hinder कर रही है ना कि वो उसको इनक्रीज कर रही है क्योंकि आपने उसके आगे बैरियर्स रख दिए ठीक है थीके? और वो जो बैरियर्स हैं वो उसको आगे बढ़ना ही नहीं दे रहे आपने उसको नंबरों के अंदर परफॉर्मेंस के अंदर अभी से मैयर करना शुरू किया जबकि अभी तो बच्चे के सीखने के दिन है उसको सीखने देना चाहिए दुनिया के बहुत से जैसे जापान है फ्रांस है फिलपाइन है वहाँ पे बच्चों को शुरू के दिनों में और शुरू के सालों में मैयर ही नहीं किया जाता सिर्फ सिखाया जाता है लेकिन मैयर उनको नहीं किया जाता ताकि उनके जहनों पे कोई इसका बुरा असर ना पड़े और ना नाजा को इस तरह से पाबंद किया जाता है कि भाई आपकी क्लास के ग्रेड्स कैसे हैं आपकी क्लास का रिजल्ट कैसा है अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं तो उसका मतलब है आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे ठीक है तो वो तो एक वो रिज़ल्ट ही अगर फेक होंगे तो वो बाद में बाकी सारी चीज़ें भी फेक होंगी फिर टेस्ट एंगजाइटी यहाँ कुछ तस्वीर में आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं आप छोटे मासूम बच्चे के सामने कॉपी पेंसिल रख के या कोई भी परफॉर्मेंस दे के आप उसको टेस्ट करना शुरू करते हैं अभी तो उसने ये नहीं सीखा कि किस तरह लोगों के सामने परफॉर्म करना है वो तो अपने मन मौजी है ना अभी तो वो अपनी अदा से अपनी मर्जी से करना चाहता है कुछ लेकिन हमने उसको एक बहुत बड़ी कठाली में से आज़माइश में डाल दिया और उसमें से गुजारने की कोशिश कर रहे हैं फिर जैसे हमने पीछे अर्ज किया अगर टेस्ट ही इन अप्रोप्रिएट हो क्योंकि वैलिडिटी किसी टेस्ट की यह होती है कि वो वही कुछ मैयर करे जिसके लिए उसको तैयार किया गया अब अगर हम सिर्फ उनके रोट मेमोराइजेशन को चेक करना चाह रहे हैं कि बच्चे को गिनती कितनी याद है उसको डिजिट्स और उसको अल्फाबेट्स कितने याद हैं तो ये मैरमेंट इनप्रोप्रिएट है अभी तो उसके कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं ना अभी कॉन्सेप्ट पे बात होनी चाहिए फिर इसका मतलब ये है जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स टास्क थे जहाँ बच्चे की कुछ हिस्से अभी स्लेट जो है दिमाग की कुछ खाली है कुछ भर गई है कहीं पे अभी नश्वरमा जा रही है ऐसी सूरतों में जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो उनको हम मैयर करने में ये चीज़ें हमें ऑब्सट्रेक्ट कर रही हैं ना कि हेल्प आउट कर रही हैं फिर एक और बड़ा अजीब वरीब फिर है कि हायर करिकुलम इज़ टू लोअर क्लासेस देखिए आप सब और हम एक ज़माना था जब बड़ा हल्का फुल्का बैग हुआ करता था और बहुत कम नसाब होता था और बच्चों को खेलने कूदने की स्कूलों में आज़ादी थी कोई प्रेशर नहीं था लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अब आप देखिए प्रेप के बस्ते में आपको लैंग्वेज भी नज़र आएंगी आपको हार्ट के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में बच्चों को याद करना है पिछले दिनों एक प्रेक के स्टूडेंट को देखने का वाक्य पेश आया जिन्होंने राइट ऑट्रिकल और वेंट्रिक वेंट्रिकल याद करने की कोशिश की और मुझे मुश्किल से याद हो सकता है तो एक छोटा प्रेक का बच्चा कैसे उसको याद कर सकता है और फिर वो याद करना है अंडरस्टैंड करने की तो अभी नौबत ही नहीं आई तो ऐसी सूरत में हमने जो करिकुलम पुश डाउन कर दिया है हमने उनके प्रेशर को उनके बर्डन को बढ़ा दिया है इस वजह से बच्चे जो हैं वो ओवर बर्डन हो गए हैं फिर चिल्ड्रेन नाट ग्रोइंग एज इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव थिंकर्स असल बात यह है कि बच्चे जो हैं वो फिर क्रिएटिविटी की तरफ नहीं आएंगे ना सोचेंगे ना समझेंगे वही कुछ करेंगे जो उनसे कहा जाता है क्योंकि वो उसके पाबंद हैं कहीं कभी स्टिक के ज़रिए और कभी मार्क्स की प्रेशर के जरिए